देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सिर्फ एक दिन राजू, एंड आई प्रॉमिस यू, एक दिन के अंदर खुशी खुशी तुम्हारे पास आ रही है कि मेरा वादा है तुमसे। तो एक काम करते, पहले सिस्टम के साथ चलते, और अगर उसके बाद भी खुशी नहीं मिली ना, तो फिर सिस्टम के खिलाफ। बस तुम ऐसे परेशान मत, मैं हूं। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा चैन छीन लिया, मेरा सुकून छीन लिया, मेरी जिंदगी छीन ली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने परिवार की खुशी छीनने नहीं दूंगा। खुशी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। पाल लो खुशी या गलत फहमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फैसला अच्छे से सुन के जा रहे हो। रणबीर पुत्र, नाश्ता कर। हाँ हाँ ऑफकोर्स। क्या? हाँ हाँ कुछ खा ले ना। क्या ना, भूख नहीं लग रही। भूख नहीं है या दिल नहीं? रणबीर, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो, लॉस से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? रणबीर क्या बात है बेटा? मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ही लगता है हमने कल प्राची के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और शायद हमें इस तरीके से नहीं बोलनी चाहिए थी। बस मुझे लग रहा है कि एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए मुझे। अभी पता नहीं रिएक्ट कैसे करेगी अगर मैं उसको फोन भी करूंगा तो, बट आई थिंक हमने गलत तरीके से बोला, मुझे फोन करना तो चाहिए उसको। नहीं नहीं रणबीर, तू प्राची को फोन नहीं करेगा। अरे तू क्यों सोच रहा है सब कुछ? उन लोगों ने भी कुछ कम कहा था क्या? और रणबीर, अगर तू यहाँ पे इस तरह से सोच रहा है तो प्राची भी तो वहां सोच सकती है ना, ऐसे उसे कॉल करने दे। वही तो, तुझे क्या पड़ी है? मुझे ना उसकी नहीं पड़ी, मुझे एक्चुअली अपने किए की पड़ी है। आप लोगों ने जो बोला ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने गुस्से में ना उसको बहुत चीजें बोल दी, तो मेरा कॉल करना उसको बनता है। हेलो, थैंक यू। क्या हुआ रिया, क्या बात है? वो एक्चुअली अनाथ आश्रम से फोन आया था। कल मैं एक वर्कर से मिली थी और बात करते करते मैंने उसे सब कुछ बता दिया। आई जस्ट कुडंट हेल्प माई सेल्फ, मैं इमोशनल हो गई थी, आई एम सॉरी। वो बता रही थी कि प्राची अनाथ आश्रम गई है। पाल लो खुशी या गलत फहमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फैसला अच्छे से सुन के जा रहे हो। ऑफ कोर्स प्राची वहां अनाथ आश्रम गई है। तू देख रहा है रणबीर, तू देख रहा है वो क्या कर रही है? तू यहाँ उसकी अच्छाई कर रहा है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और तू अपनी गलती मान रहा है, और वो क्या कर रही है तू देख रहा है? कैन यू बिलीव हर? वो अनाथ आश्रम पहुंच गई है खुशी को लेने। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। I will not let that happen. मम्मी, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी थोड़ी चली गई होगी वो एकदम से। I think आप गलत समझ रहे हैं प्राची को, ऐसा नहीं किया होगा उसने। नहीं रणवीर, तेरी मॉम सही कह रही है। तू सबके बारे में अच्छा सोचता है तो जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही सोचे। But that प्राची, प्राची भी, प्राची तेरी तरह सोचे, तेरी तरह अच्छा सोचे, ये जरूरी नहीं है। और रणवीर मैं तुझे बता रहा हूँ, इतना अंधविश्वास भी अच्छा नहीं है। जिस तरह से आंखें बंद करके तू प्राची पे भरोसा करता है ना, एक दिन तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि तू हमेशा के लिए खुशी को खो दे। रणबीर, भगवान ने दोबारा तेरी बच्ची तेरे पास भेजी है, अब तू खुद उसे दोबारा हाथ से दूर कर देगा, समझा? सही कह रहे हैं आप लोग, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं प्राची को खुशी को लेके जाने नहीं दूंगा। एक बार पहले मैं खुशी को खो चुका हूं, लेकिन इस बार फिर से नहीं। मैं जाता हूं और देख के आता हूं कि प्राची क्या कर रही है। You guys are right. मैं भी।
प्राची जो कर रही है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। खुशी हमारे घर की बच्ची है, खुशी को इस घर में लाकर रहूंगी। क्यों, मुझे क्यों नहीं मिल सकती खुशी? मैं आपको वही बताना। तो मतलब वो बात सच थी? क्या बात? मीरा जी, मैं यहाँ पे खुशी को अडॉप्ट करने आया हूँ। आप दोनों को जवाब मेरा पहले से ही पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं, और एक बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार जरूरी होता है। इसलिए जब आप पहले भी आए थे, हमने आपको खुशी के पेरेंट्स बनने के लिए रिजेक्ट कर दिया था। मैं जानती हूँ आप लोग अच्छे इंसान हैं, अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, पर आप लोगों के लिए मैं अपने गाइडलाइंस तो नहीं तोड़ सकती ना। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि खुशी मुझे मिल जाए। देखिए, मैं एक औरत हूँ, मैं खुशी की माँ हूँ, मैं उसकी परवरिश अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि एक औरत ही एक बच्चा अच्छे से संभाल सकती है। इसका क्या मतलब है? एक बच्चे को संभालने के लिए किसी का औरत होना या मर्द होने से क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट मैं एक मर्द हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, केपेबल हूँ, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी मैं ज्यादा बेहतर हूँ, और मैं एक अच्छा बाप भी बन सकता। अरे रिया, तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मैं किसी काम से आई थी। तुम? मैं एक्चुअली प्राची के साथ यहाँ पे आया था। पर रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई मीन लाइक व्हाट आर यू डूइंग हियर? वो मैं एक्चुअली यहाँ डोनेशन देने आई हूँ। कहते हैं ना, कुछ अच्छा करने से कुछ अच्छा ही होगा। करो यार, डोनेशन करो, इट्स गुड। हाँ, डोनेशन कर रही, लेकिन मेरी खुशियों का, क्योंकि खुशी मेरी लाइफ की खुशी नहीं बन सकती। मुझे तो कभी कोई बच्चा चाहिए ही नहीं था, पर अब खुशी को अपने साथ रखना पड़ेगा ताकि रणबीर को अपनी क्लोज रख सकूं। कौन कहता है कि औरत स्ट्रांग नहीं होती इमोशनली प्रैक्टिकली? मैं तो कहती हूँ एक औरत सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, इमोशनली स्ट्रांग होती है, प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग होती है, उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। एक बच्चे को इस दुनिया में लाना, उसके लिए कितना दर्द होता है, ये एक औरत जानती है। वो सह सकती है, औरत कुछ भी सह सकती। हाँ हाँ, तो इनके हिसाब से जो मर्द हैं वो तो कुछ सह ही नहीं सकते। मतलब हम कुछ नहीं सह सकते, यही कहना चाहती हो तुम? हम नहीं सह सकते? मुझे पता है कि आप दोनों अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, मैं आपको जानती हूँ, और मैं आपको खुशी अडॉप्ट करने दूंगी। लेकिन जो पहले शादी करेगा वही खुशी को अडॉप्ट कर सकता है। बिकॉज खुशी के एडॉप्शन के लिए ये जरूरी है कि आप शादीशुदा हो, अदरवाइज खुशी किसी को भी नहीं मिलेगी, और कभी भी नहीं। अब रिया, मुझे जाना पड़ेगा, प्राची मुझे उस तरफ बुला रही है, सो आई विल सी यू। टेक केयर। सी यू। ठीक है। पहले जब प्राची का प्यार उसको मिल रहा था, तब मैं कितनी अपसेट थी, कितना बुरा लग रहा था मुझे। पर अब जब अक्षय प्राची को बहुत प्यार कर रहा है, उसे शादी करना चाहता है, तब मैं कितनी खुश हूं, क्योंकि अक्षय का प्यार प्राची को रणबीर से दूर ले जा रहा है, मेरे रणबीर से। अक्षय, तुम मेरा काम कर रहे हो और तुम्हें यह बात पता ही नहीं है। And this is making me so happy. Thank you, Akshay. पता नहीं अनाथ आश्रम में क्या चल रहा होगा। हाँ दादी, मीरा जी मान गई होंगी प्राची को खुशी देने के लिए। अब लगता है प्राची होगी, मैं देखती हूँ। प्राची, क्या हुआ? अरे प्राची, क्या हुआ बेटा? क्या कहा मीरा ने? वो खुशी देने के लिए तैयार हो गई ना? नहीं दादी, फिर से वही सारी बातें कर रहे थे। मैं सेपरेटेड हूँ, उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनके खिलाफ वो नहीं जा सकते, मेरा परिवार स्टेबल नहीं है, और कई सारी बातें। तो तूने बताया क्यों नहीं?
कि खुशी तेरी बेटी है, तूने उसे जन्म दिया, तू उसकी सगी माँ है। हर वो बचपन में तुझसे खो गई थी, तुझसे बिछड़ गई थी। नहीं दादी, अगर उसे पता चल गया ना कि मैं जानती हूँ हमारी बच्ची जिंदा है, खुशी हमारी बच्ची है, तो फिर वो उसे अपने पास रखने की हर तरह से कोशिश करेगा, उसे अडॉप्ट करने की और मुझसे दूर करने की, जो मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं नहीं चाहती उसे कुछ भी पता चले, मैं नहीं चाहती। वो लोग इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं रणबीर खुशी से कितना प्यार करता है, और खुशी रणबीर से कितना प्यार करती। मुझे तो लगता है कि अब बहुत हो गया, बहुत प्यार मोहब्बत से बातें कर ली हम लोग, अब हम उनके खिलाफ कोर्ट में जाके लड़ाई करेंगे और रणबीर के डीएनए रिपोर्ट से ये प्रूव करेंगे कि खुशी रणबीर की बेटी है और रणबीर का खुशी पे कानूनी हक है। अंकल, ये सेम बात मैंने रणबीर को सजेस्ट की थी, पर वो कह रहा था कि वो नहीं चाहता कि प्राची को पता चले कि खुशी उसकी अपनी बेटी है, उसकी अपनी पंछी है। कह रहा था कि एक बार अगर प्राची को ये बात पता चल जाती है तो वो जमीन आसमान एक कर देगी खुशी को अपने पास रखने के लिए, और हो सकता है कि प्राची को खुशी मिल जाए लेकिन रणबीर को ना मिले। इसलिए वो इस बात की भनक भी प्राची को लगने नहीं देना चाहता कि खुशी उसकी अपनी बेटी है। कह रहा था कि वो बाद में प्राची को बता देगा। इसका एक ही रास्ता है, शादी कर लो रणबीर से। हाँ रिया, रणबीर से शादी कर लो। अनाथ आश्रम वालों की भी यही डिमांड्स है ना, उन्हें एक स्टेबल फैमिली चाहिए, एक ऐसा परिवार चाहिए जहां दोनों माँ और बाप बच्चे को प्यार दे सके। तो शादी कर लो रणबीर से। आंटी, मैं कैसे? आई मीन अंकल, ये सारी बातें तो रणबीर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो सच में खुशी को इस घर में लेकर आना चाहता है, कैसे उसे पता है उसे क्या करना चाहिए? रणबीर, बेटा किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ बोल ना बेटा, रणबीर क्या हुआ है बताना। खुशी को नहीं दे रहे मुझे वापस, नहीं दे रहे। बार बार एक ही चीज बोले जा रहे हैं कि उनको एक स्टेबल फैमिली चाहिए, एक मम्मी चाहिए, एक पापा चाहिए। और मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरी मेरी खुशी मेरी खुद की बेटी है, मेरा अंश है, मेरा खून है, वो मुझे मेरी खुशी नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूं? रणबीर, will you marry me? मुझसे शादी करोगी? करोगी? प्राची, 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 will you marry me? शादी करो कि नहीं करो? हाँ प्राची, अक्षय को हाँ बोल दे, शादी कर ले उससे और खुशी को घर ले आ। इस वक्त पल्लवी रणबीर पे जोर दे रही होगी कि वो शादी कर ले ताकि वो खुशी को अपने घर ले जाए। ये मौका बहुत अच्छा है, अक्षय से शादी कर ले बेटा, हाँ बोल दे इसे। हाँ रणबीर, अगर तू अपनी बच्ची को पाना चाहता है तो शादी कर ले रिया से। रिया जो कह रही है उसकी बात मान ले, शादी कर ले रिया से, वरना तू एक बार फिर अपनी बच्ची को, अपनी खुशी को खो देगा। रणबीर, किस्मत बार बार सबको मौके नहीं देती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू ये मौका एक्सेप्ट कर ले। देख, मैंने आज तक तुझसे कभी नहीं कहा कि रिया से शादी करना सही होगा, लेकिन
लेकिन आज मैं खुद तुझसे कह रहा हूं कि ये बेस्ट डिसीजन होगा तुम्हारा। रिया से शादी कर ले और हमारी खुशी को घर लेकर हाँ प्राची, कर ले अक्षय से शादी और ले आ खुशी को घर। मैं आपको जानती हूँ और मैं आपको खुशी अडॉप्ट करने दूंगी, लेकिन जो पहले शादी करेगा वही खुशी को अडॉप्ट कर सकता है। मैं तुमसे शादी कर शादी करूंगा। हाँ, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। जो भी है कल आना, आश्रम बंद हो गया है। हाँ शाहनापुर। प्राची तू खुशी से मिली? तूने उसे बताया कि तू उसे घर लेकर आ रही है? बताना उसने कैसे रिया किया, वो ना खुशी से पागली हो गई होगी ना। मुझे पता था जब तू उसे बताएगी वो। नहीं मैं लेट हो गई शाहना, मैं लेट हो गई, आश्रम बंद हो गया। तू उससे मिली? नहीं मिल पाई। मुझे मिलना था उससे, मुझे उसे गले लगाना था, उसकी आंखों में देखना था और बोलना था कि खुशी मैं आपको ले जाऊंगी यहाँ से। दोबारा आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आप मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में रहोगे। मैं माँ हूँ आपकी। आपको कभी अकेला नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी। मुझे उसे बताना था कि खुशी आप पंछी हो, आपकी मैं असली माँ हूँ। मैंने आपको जन्म दिया है। ये सब बोलना था मुझे सब बोलना था। पर प्राची देख, तू ऐसे रो मत प्लीज। रोना नहीं है क्योंकि हाँ प्राची आपकी माँ। क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। प्राची देख, तू ना इधर उधर बिल्कुल मत भटकना, तू चुपचाप घर आ जा प्लीज। रोना बिल्कुल नहीं। देख भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दरवाजा खुल रहा है, शायद मैं खुशी के पास जा सकती हूँ, उससे मिल सकती हूँ। प्राची, ओ मुझे पता है तुम खुशी से ही मिलने आई हो। खुशी से मिलने आए हो ना तुम? खुशी से मिले हो ना अंदर? पता नहीं प्राची, पर शायद हम दोनों का साथ शायद हमेशा वाला था ही नहीं। शायद कई बार साथ होने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं और भी बहुत चीजें चाहिए होती हैं। प्यार के साथ साथ बहुत कुछ चाहिए होता है रणबीर। विश्वास, इज्जत, आपसी समझ, सम्मान, सब चाहिए होता है, सब जरूरी होता है। और तुम्हें कभी मुझ पर विश्वास था ही नहीं। विश्वास था भी तो शायद इतना कमजोर था जो बार बार टूट जाता था। लेकिन जाने दो, अब तो हम साथ होंगे ही नहीं। हाँ साथ तो नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा एक हिस्सा मेरे साथ हमेशा रहेगा प्राची। तुम्हारा एक अंश मेरे साथ होगा रणबीर। प्यारी लग रही है। क्यों निकलो मेरे घर से? हिरणवीर तुम नहीं प्राची, नहीं तुम
भगवान जी, आपको तो सब पता है, आपके सामने कुछ नहीं छुपा है। आप अच्छे से जानते हैं मेरे दर्द को, मेरी चाहत को। मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ना वो कीजिए जो मेरे लिए बेस्ट है, और आपको तो सब पता है, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रहा। ये क्या कर? मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी त्वचा बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत ज़्यादा। यार फिर से यार बोला तुमने। सॉरी, वो एक्चुअली मैं थोड़ा तुम्हारी त्वचा में खो गया था ऐसे। ये खोने का टाइम नहीं है रणबीर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऑफ कोर्स मैं देख सकता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन इसका यही मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे छू नहीं सकता, ऐसे टच नहीं कर सकता। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें ऐसे छूता रहूंगा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है। पता क्या होगा उसके बाद? क्या होगा? उसके बाद तुम्हें बहुत खुशी होगी, और अगर तुम बहुत ज्यादा खुश होगी तो उससे क्या होगा? क्या होगा? उससे तुम ग्लो करो। मतलब ऐसा नहीं है तुम अभी ग्लो नहीं कर रही हो, तुम बहुत ग्लो कर रही हो, लेकिन तुम ना ऐसे कॉन्स्टेंटली जिंदगी भर ग्लो करती रहो, और जब तुम्हें बहुत सारा प्यार मिल जाएगा ना, उसके बाद तुम्हें जो सारा प्यार है वो यहाँ पे यहाँ समेट लोगे। वैसे एक और रीजन मैं सब करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी छोटी सी पंछी को पता चले कि उसकी मम्मी से कितना प्यार करता हूँ, कितना ज्यादा, और मैं कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा उसकी मम्मी को। तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, प्यार करता हूँ, मुझे सब पता है, सारी बहाने हैं पास आने के। वाओ, तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो, मतलब जो मैं सारी एक्टिंग करता हूँ तुम्हारे सामने किसी काम के लिए। वैसे सच बताऊँ तो मैं नेचुरली करता हूँ सब, मेरे अंदर से ना तुम्हारे लिए ऐसे प्यार आता रहता है, और मुझे लगता है मैं तुम्हें हर वक्त ये बताऊँ कि जिंदगी में ना मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा, हमेशा अपने से पहले तुम्हें रखूँगा।